जैन, धामपुर बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से 400 किलोमीटर दूर से रात को अकेले ट्रेन में आई हूँ। सिर्फ इसी वजह से, सिर्फ मेरी यही पुकार है एक मंत्री जी और सतीश द्विवेदी जी से और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से कि हम भी आपके प्रदेश की बेटी हैं, हमने भी आपके मानक को पूर्ण किया है, हम भी 90-97 पे पास कैंडिडेट हैं। कुछ अवैध व रिक्त सीटों जो रह गई हैं, जिनसे जो कुछ बच्चे निकले हैं उन पर रिक्त सीटों पर हमारी चयन सूची जारी करवा के हमें आश्वासन दीजिए और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपनी दो छोटी छोटी बेटियों को धामपुर में अकेले छोड़ के आई हूँ। मेरा कोई नहीं है कि मेरे सिर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। मेरी दो छोटी बेटियां हैं, मैं उन्हें पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ। इसी वजह से आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मेरी दो बेटियां हैं, उनका पालन पोषण मैं कैसे कर पाऊंगी अकेले। मेरे पति की एक छोटी सी प्राइवेट जॉब है, मैं यही रोगी थी। ऐसे अपना घर बार छोड़कर परिवार को छोड़कर अकेले डर लगता है ट्रेन में आते हुए भी, पर क्या करें। एक नौकरी के लिए हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की, बीएड किया, एमए किया, उसके लिए ही सिर्फ हमने इसलिए ही किया कि मुझे एक नौकरी मिल जाए और मेरे बच्चों का जीवन और मेरा जीवन और मेरे हस्बैंड का जीवन सुखी से बीत सके। अब मैं क्या करूं, मैं इतनी दूर से अकेले आई हूं, अब अकेले ही जाना है। अब मैं यहीं पड़ी रहूंगी, मंत्री जी के लखनऊ आवास के आगे पड़ी रहूंगी, चाहे मंत्री जी चाहे योगी आदित्यनाथ जी महाराज के दरबार में पड़ी रहूंगी, लेकिन मैं नौकरी लेके ही जाऊंगी, क्योंकि मेरा पॉइंट वन से रह रहा है। पॉइंट वन से, सिर्फ पॉइंट वन से मैं रुकी हुई हूँ महाराज जी। प्लीज, मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, मुझे अर्थी दे दीजिए। मैं लेकिन जाऊंगी नहीं यहाँ, मैं लखनऊ की इस जमीन से और अपने प्रदेश की राजधानी से मैं वापस नहीं जाऊंगी, कभी भी वापस नहीं जाऊंगी, और नियुक्ति लेके ही जाऊंगी, क्योंकि मेरा सिर्फ 0.19 से रुका हुआ है इस भर्ती में। मेरा एक नंबर अगर होता तो मैं आज इस चयन सूची में होती। मैं एक गुजारिश और करूंगा मंत्री जी से। मंत्री जी ने कल कहा था कि एक पुरानी भर्ती की चर्चा की थी जो 2011 में आई थी, 72,000 भर्ती।